يلف يلف. मेरे ब्लॉग का क्या हाल किया इन्होंने. मेरे ब्लॉग का क्या हाल किया इन्होंने. इन्होंने तो मेरा जो फोन है वही बर्फ में डुबा दिया था. तो अभी हम एक्सप्रेस वे पे हैं और जो स्नोफॉल है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है. रोड्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, नीचे कुछ पड़ी हुई हैं लेकिन ये रोड साफ़ है. तो इसलिए जो है अब हमने डिसाइड किया है कि हम जो हैं वो जो चेन्स हैं वो हम अब उतार लेंगे. शूज़ मेरे बिल्कुल गीले हैं, बिल्कुल ठंडे. तो अभी जो है वो चेन उतर रही है और बर्फ़बारी जो है ना वो फिर शुरू हो गई है. बर्फ़बारी ने जो है ना आज बहुत हद की है, इतनी बर्फ़बारी हो रही है जिसका हिसाब नहीं है. इतनी ज़्यादा कि मज़ा आ गया और मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है. हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और इस्लामाबाद जो 37 किलोमीटर है यहाँ से, तो स्नो जो है वो स्नो फॉलिंग जो है वो जो स्नो फॉलिंग है वो अब रुक चुकी है. अच्छा ये पहले ना बीच में पंखे ले रहे थे तो अब ये कि जो स्नो फॉलिंग है वो रुक चुकी है लेकिन हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है. और आज जो है वो आज की डेट है आज 6 जनवरी है. तो अभी हमें मतलब पता लगा कि फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद, रावलपिंडी ऑफ कोर्स और काफ़ी सारे शहरों में ऑलरेडी बारिश हो रही है. तो बस अब इंजॉय कर रहे हैं और अब घर की तरफ जा रहे हैं. रास्ते में खाना शाना खाएंगे और ये एक बिल्ली जो है ना ये बोल रही है हमारी गाड़ी में. फाइनली जी वी आर आउट ऑफ मरी और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो एक्सप्रेस एग्जिट की थी और जो हमारे साथ भाई थे चेन वाले वो भी हमारे साथ ही एंटायर जो है ना सफ़र उन्होंने किया है. तो अभी तकरीबन जो है 5:30 हो रहे हैं और अब हम कहीं जा कर रुकेंगे, कुछ खाना खाएंगे क्योंकि अभी तो हमने नाश्ता भी सुबह का नहीं किया हुआ. अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स में खाना मिलेगा? एसी मिलेंगे, फ्रिज, एसी खाने हैं हमने. तो ये आदिल भाई का ना थोड़ा सा दिमाग जो है ना ये ड्राइव कर कर के आउट हो गया और बर्फ़ भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत खाई है तो इनका ब्रेन जो है ना वो फ्रीज हो गया हुआ है. तो अभी जो है हम लोग कुछ खाएँगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने कज़न की तरफ दोबारा से क्योंकि वहाँ से कुछ सामान हमने लेके जाना है सियालकोट और उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर सियालकोट जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह जी वी हैव रीच्ड इस्लामाबाद सेफली और अभी जो है ये चलो रावलपिंडी इस्लामाबाद एक ही बात है यार. रावलपिंडी से ये हमारे पिंडी बॉय रह चुके हैं 3 साल यहाँ पर तो ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही पिंडी बॉय बन रहे हैं. तो अभी जो है हम यहाँ पर हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और ये जो है एक फूड स्ट्रीट है जहाँ पे हमें जो है ना हमजा भाई लेके आए हैं. तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है ना वो हम ट्राई करेंगे. जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो तब हमने ट्राई किया था सेवर और इस बार जो हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे. अभी डिसाइड नहीं हुआ लेकिन यह कि डिसाइड करके फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ से खाना खाएँगे. तो अभी ये है कि जो सेवर फूड वाले हैं इनके पास तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ ही अवेलेबल होता है लाइक फास्ट फूड और चावल ये वो. तो ये जो हमारे प्यारे से भाई हैं बासित भाई
इनको चावल खाने का बड़ा शौक है, तो ये जो है ना, हाँ सियालकोट में तो खास तौर पर चावल जो है ना बहुत खाए जाते हैं, तो इनको जो है ना इसको चावल की फुल तलब हो रही थी, तो इसलिए जो है शौक से खाते। तो अभी जो है हम सेवर जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। तो अभी जो हम बैठे हुए हैं सेवर में और जो ऑर्डर है वो दिया है हमजा भाई ने, तो हम इन्हें से पूछते हैं कि इन्होंने क्या ऑर्डर दिया। जी हमजा भाई, क्या ऑर्डर दिया आपने? चिकन पुलाव दिया हमने। चिकन पुलाव, अच्छा। रायता सैलेड, शामी कबाब और एक चिकन पीस के साथ सर। दो क्या है? शामी कबाब, अच्छा, रायता सैलेड और साथ में चिकन पीस। चिकन पीस, ठीक। साथ में हमने एक ऑर्डर किया है क्रिस्पो ब्रोस्ट। क्रिस्पो ब्रोस्ट, अच्छा, ये है फुल वाला, ठीक है। क्रिस्पो ब्रोस्ट ये वाला, ये वाला ठीक है। ये फुल ब्रोस्ट है, ठीक है, मतलब काफ़ी है ये, काफ़ी है। में कुछ खाना चाहेंगे तो वो बाद में वो कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक। तो ऑर्डर जो है वो हो चुका है, लेकिन 20 मिनट जाना वेट करना पड़ना है और वो मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, सर भी दर्द कर रहे हैं, ऊपर से हम सब किस वक्त जाना शूज़ और सॉक्स गीले हैं। तो खैर अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है खाना आने में, ताकि हम फिर कुछ खा सकें। तकरीबन जो है वो 20 मिनट हो चुके हैं और भूख जो है ना मैं बता नहीं सकता कितनी ज़ोर की लगी हुई है, और अभी तक ना खाने का नाम निशान है, ना कोई रायता, ना कोई सैलेड, कुछ भी नहीं है, स्टिल वेटिंग। मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ ही आएगा। ये क्या हुआ? खाना किसी के पास चला गया। खाना जो है हमारा वो था ही नहीं, किसी के पास चला गया। देखिए अभी रायता और सलाद वगैरह जो है ना वो आ गए हैं, और अभी क्योंकि कुछ है नहीं खाने को। कब तक आ जाएगा खाना? कब तक आ जाएगा? ये जो है ना सलाद के ऊपर जो है ना वो अटैक कर रहे हैं। अरे अकेले अकेले क्यों खा रहे यार, मुझे भी तो थोड़ा सा। अभी स्टिल वेटिंग, सर मेरा बहुत दर्द कर रहा है। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, लगता है कि काम पहुंचने वाला। देखिए हम जब ही दही में टमाटर डाल के जो खा रहे हैं, कभी खाया नहीं यार मैंने। ट्राई ट्राई भी, जी जी जी, भूख में कुछ भी जायज़ है। जी जी हमारा ही ब्रोस्ट है यार। जी जी हमारा ब्रोस्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन चावल जो है वो स्टिल मिसिंग है। ये देखें बस तो भाई क्या कर रहे हैं, मतलब तो दही का सत्यानाश मार रहे हैं। खाओ खाओ कोई नहीं मसला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखें जी चावल आ चुके हैं, प्लस रायता प्लस ब्रोस्ट है। वेट तो आपको पता है मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता फ़िलहाल, तो मैं ज़रा खा लूँ तो फिर मैं आपसे जाना बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, खाना जो है वो हम खा चुके हैं, और अभी जो है हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। खाना जो है उनका काफ़ी टेस्टी था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना फुलफिल था खाना इनका। अभी जो है हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, अपने कज़न के घर जा रहे हैं, और वहाँ से फिर आगे जो है हम अपना जो सफ़र है सियालकोट के लिए वो स्टार्ट करेंगे। गाइस अभी जो है हम डीएचएस से बाहर निकलने लगे हैं, और जो अपना सफ़र है वो सियालकोट की तरफ दोबारा कंटिन्यू करने लगे हैं। तो अब आपसे सियालकोट पहुँच के, यहाँ दरमियान में अगर जो है हम ब्रेक करते हैं तो वहाँ पहुँच के आपसे बात होगी। तो अभी जो है हम इस्लामाबाद से निकल पड़े थे, तकरीबन आधा घंटा हो गया, और अभी जो है हम एक शहर है मंदरा, वो भी हमने क्रॉस कर लिया, वो इस्लामाबाद के नज़दीक ही है। तो लेकिन ये है कि बारिश जो है ना वो काफ़ी तेज़ हो रही है आज, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सियालकोट में फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद ऑफ कोर्स, तो इन सारे सिटीज़ जो आसपास के हैं उन सारे सिटीज़ में बारिश जो है ना लगातार हो रही है बहुत तेज़। तो यहाँ पे भी जो है रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी मतलब स्लो स्पीड में जा रहे हैं। सुबह 12 बजे से जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो आदिल भाई माशाल्लाह 2 दिन से लगातार जब ड्राइव कर रहे थे, और सुबह तकरीबन 12 से लेके मेरे ख्याल से के कोई 6 बजे तक उन्होंने ड्राइव की है, तो अब उनको थोड़ी सी जो है ना वो थकावट सी हो रही थी, तो वो
रेस्टिंग मोड में, तो लेकिन यह कि हम ज़्यादा ज़रा सुकून मोड में जा रहे हैं कि चलो घर तो पहुँचना ही है, तो बंदा ज़रा आराम से मौसम इंजॉय करके और एहतियात के साथ जो है घर पहुँच जाए। तो अभी तकरीबन रात के 11:30 हो चुके हैं और तकरीबन नहीं अभी तो सारे जाग रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और फॉग भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ी। और ये देखें ये बासित भाई जो है ना, तो शज़ेब इनको फिर से भूख लगी अभी, हालांकि खाना खाया है और इनको जो है फिर से भूख लग गई है। हाँ कब खाया था ये? 7 बजे खाया था या 8 बजे? 4-5 घंटे हुए हैं। तो अभी जो है वो शुक्र है कि ट्रैफिक जो है ना वो भी काफ़ी जो है ना हल्की है। और ये हमारे आदिल भाई जो हैं सो रहे हैं। हम सब जो हैं वो उन्हीं कपड़ों में सुबह से मतलब हैं जो हम उधर नथिया गली में जिनसे निकले थे, तो मेरा तो भी बुरा हाल हो गया था। जैकेट मैंने पहनी हुई थी, कैप भी मैंने पहनी हुई थी, दूसरी मफलर भी लिया हुआ था, तो लेकिन यह है कि बुरा हाल हो गया था। अभी यह है कि चलो जैकेट वगैरह उतार दी, ज़रा सुकून हो गया। हमारे बासित भाई और शज़ैब भाई अपनी शॉपिंग करके आ गए जी, एक शॉपर बासित भाई के पास। अच्छा भी रहता है वो, हमने पीछे रख दिया, वो गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा तो अभी जो है थोड़ी सी हमने रुक के रिफ्रेशमेंट वगैरह की थी और अभी हमने दोबारा से अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर लिया है। और तकरीबन 12 बज रहे हैं रात के और शुक्र है कि आज फॉग भी नहीं पड़ी हुई, बारिश हो रही है हल्की हल्की। और अभी जो है हम जेहलम के पास हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन 1.5-2 घंटे में हम सियालकोट जो है वो पहुँच जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वी हैव रीच सियालकोट, ऑलमोस्ट सियालकोट। अभी हम वज़ीराबाद रोड पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम वगैरह भी बिल्कुल साफ़ है और बारिश वगैरह भी कोई इतनी खास नहीं हो रही, बहुत स्लो हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट जो है सियालकोट के पास पहुँच चुके हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है सियालकोट पहुँच चुके हैं, वज़ीराबाद रोड पे हैं, इधर एयरपोर्ट के पास, बल्कि एयरपोर्ट नहीं सॉरी ये कनाल सिटी है उसके पास जो है ना कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। ये देखिए गाड़ी शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से घुस गई है अंदर, क्या चक्कर हुआ है। ये हमारी गाड़ी की हालत है, फुल मिट्टो मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ओह सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी थे पैसेंजर्स गाड़ी के अंदर वो सारे सेफ हैं। और नहीं ये कह रहे लेडीज भी नहीं साथ से, देख कह रहे हैं लेडीज कोई भी नहीं है, वो गाड़ी है मंगवाई है उन्होंने, चले दो थे कि एक था गाड़ी में, 5 बंदे थे। तो नहीं तो वो बैग किसका पकड़ाया उसने, वो कह रहे आपका सामान, वो जो बंदे थे उनके ही बैग था। वो एक बंदा था लैपटॉप लेके जा रहा है शहर से बाहर, वो एक नहीं था, दो थे, ज्यादा थे बंदे एक से। चलो जितने भी थे 2-3-4-5-6 सारे सेफ है ना, वो चले गए सेफ ही है उन्होंने। यार हम जो अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं सियालकोट की तरफ और हम तो घर पहुंचने वाला काम करें ना भाई, हम तो घर पहुंचे। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में हम एंटर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप सबको जो है ये वीडियो या मेरे जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आए होंगे और आप इसको इन्जॉय कर रहे होंगे। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। Till then, till next video, take care and Allah Hafiz. I live inside my own world of make